Hello guys, what's up? So guys, I'm back with my episode number 3. आज बहुत ही important supplement के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आज की date में बहुत ही ज़रूरी है, because obese लोग बहुत हो गए हैं और जिनका BMI बहुत ज़्यादा है, जिनकी fat ratios बढ़ रही हैं day by day, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, and that's fat burner. और इसके साथ ही question आ जाता है, is it safe or not? And what is fat burner? और fat burner क्या करता है? Blah 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 blah. What is fat burner? Fat burner is one of the molecule or a dietary supplement which use your fat to change into energy. जो आपकी fat को आपकी force बनाता है, आपकी energy बनाता है. It change your metabolism, it your metabolic vessel, और इसको आपकी जो glycogen बनती है आपके nephrons में, उसको आपकी वो force बनाता है, उस fat को energy convert कर देता है, and it will use in workout. Fat burner जैसे कोई भी fat burner ले लीजिए आप, pills और some kind of capsules or like cuts and all. एक है फैट बर्नर, एक डाइटरी नॉर्मल जिसमें हम कहते हैं फैटी और फैट बर्निंग एजेंट्स लाइक कैफीन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला. वन जो है थर्मोजीन फैट बर्न. थर्मोजीन इज कॉल्ड ECA स्टैक, और वी कैन से थर्मोजीन और ECA स्टैक. ECA स्टैंड्स फॉर ई एफ्रिडीन, C caffeine, A aspirin. This is the most thundering or bestest fat burner ever nowadays. तो ECA stack क्या करता है? जो भी आपका fat है body पे, उसको convert करता है. Thermogen उसको convert करती है एक energy ratio में, जो कि आपके पूरे वर्कआउट में लग जाता है. फैट बर्नर का दूसरा बेनिफिशियल और वर्किंग स्टेज क्या है? फैट बर्नर आपकी कोर को का टेम्परेचर इतना हाई कर देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करती है पर कैपिटा, साथ साथ में. बर्नर कब लेना चाहिए? बर्नर अगर हम सुबह उठते सार फैट बर्नर लेते हैं, तो वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसके साथ एक टेम्परेचर रिलीज होता है, जिसके साथ हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा फैट भी रिलीज होती है. और सेकंड, व्हेन वी डू वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट 15 टू 20 मिनट्स विल टेक फैट बर्नर हम ले सकते हैं. सोने के वक्त फैट बर्नर कभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट कॉज समथिंग डिजास्टर like on your hormonal change, on your stressful mindset, on your sleep, etc. So fat burner safe hai for men or women both, because iski jo ek ratio banai jati hai, whatever matlab whoever the company kisi bhi tarah ka ek fat burner hai, wo caffeine oriented hai या एफ्रोडी रिलेटेड है, या वो तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर है, या कि जिसमें कोई डिमेंथिलॉन डाला हुआ है, उनकी जो रेशो होती है वो मेन और वुमेन सेम होती है. मगर एक बहुत बड़ी बात ये है कि इफ़ यू यूज़ फैट बर्नर, आपको डाइट बहुत ही ज़रूरी ज़ीरो कार्ब और लेस कार्ब रखनी पड़ती है. अगर आपकी 1500 कैलोरी से ऊपर कार्ब्स जाती हैं या डाइट जाती है, तो बर्नर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके मनी वेस्ट है. तो बहुत ही सिंपल फंडा गाइस, कि अगर आपको फैट बर्नर यूज़ करना है और आप चाहते हैं उसका रिजल्ट आए, तो आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें कार्ब्स बंद होंगे, ऑयल बंद होगा, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा प्रोटीन बंद होगी. प्रोटीन जो फैटी नहीं है, प्रोटीन अच्छा सोर्स है, तो वो बहुत ज़रूरी है फैट को भी उड़ाने के लिए, क्योंकि उससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा.
तो अगर आप डाइट नहीं कर सकते हैं तो डोंट यूज फैट बर्नर. इवन फैट बर्नर इज अ मच सेफर देन प्री वर्कआउट्स, मच सेफर देन एनी स्टेरॉइड्स और एनी वाइल्स. फैट बर्नर एक बहुत बेसिक चीज़ है जो एक डाइटरी सप्लीमेंट से बनती है, हमारे FSCI अप्रूव्ड होते हैं इसमें से. तो वो ऐसे नहीं GMP की लगा देते हैं मोर जब तक उन्हें ये सही नहीं लगता. मगर अगर आपकी डाइट नहीं है तो फैट बर्नर का कोई यूज नहीं है. मार्केट में बहुत से फैट बर्नर हैं, लॉट्स ऑफ कंपनीज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर उनके जो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं लाइक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, थायराइड कॉम्प्लेक्स, वाटर श्रेडिंग, ब्लोटिंग के लिए, उसमें से चूज करना वो आप पे है. बस ये देखिए, गो फॉर थर्मोजिन, जिसमें थर्मोजिन है, जिसमें कैफीन है, एनहाइड्रेट्स है, डिमेथिलोन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैनसिन है, उसके लिए जाएं जिसकी डोजेस कम है. एक टैब है बहुत है. ECA स्टैक की तरफ जाएं तो एफ्रोडीन अकेली भी ले सकते हैं आप, एस्प्रिन नहीं. एस्प्रिन से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, BP हाई होने का बहुत एक डर रहता है. कैफीन अकेली ले सकते हैं आप, कैफीन को एज प्री ले सकते हैं, क्रोटेन के साथ ले सकते हैं, बट आजकल के प्री वर्कआउट्स में कैफीन ऑलरेडी आ रही है. तो फैट बर्नर एक कॉम्बिनेशन है ऑल ऑफ, यानी कि आप कोई भी विच आर ऑन श्रेडिंग मोड और इन वेट लॉस मोड, आप फैट बर्नर ले सकते हैं, नो इश्यूज. कोई PCT नहीं है फैट बर्नर की, जो आप डरो कि फैट बर्नर को आपको किसी भी तरह उसको बाहर निकालना है, वॉश आउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है. फैट बर्नर खुद अम्यूट निकलता है. आपके जो भी एक गेट्स होते हैं बॉडी के, गेट्स जिसमें से हमारा सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, वहाँ से फैट बर्नर भी चले जाता है. सो गाइज, बहुत अच्छी चीज़ है और पूरी कोर को टेम्पर करके रखती है, टाइटन करके रखती है. सो गो फॉर इट, डरना नहीं है. जिसने वेट लॉस करना है, गो फॉर दिस फैट बर्नर. आपको कौन सा लेना चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. जो भी एडवाइस चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर. सो गाइज, थैंक यू, कीप वॉचिंग, फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, बाय बाय.